जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह के सभागार में पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुक्ल प्रतिपूर्ति योजना की बैठक जनपद के विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति को लेकर जो नियमावली है उसमें परिवर्तन किया गया है, जिससे सभी को अवगत करवाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के इंटर कॉलेज महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिससे जो शासन आदेश के बारे में अवगत करवाया जा सके और जो हर वर्ष छात्रवृत्ति में समस्या आती है उसको दूर किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यशाला में, क्योंकि विभिन्न वर्गों के बच्चों की छात्रवृत्ति दिए जाने का मुद्दा है, तो इस संदर्भ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी श्री कमलेश मौर्या जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कुमारी श्रद्धा मिश्रा और विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, साथ में कंप्यूटर छात्रवृत्ति संबंधित जो लोग आप लोग देख रहे हैं, कार्य देख रहे हैं, उन सभी का मैं समाज के अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह स्वागत करता हूँ। संख्या आप लोगों की थी वो काफ़ी अपेक्षा से कम है, जबकि बहुत बड़ी चुनौती है स्कॉलरशिप हम लोगों के लिए। हर बार ये समस्या आती है, हर बार कार्यशाला ये सोच के की जाती है कि सभी समस्याओं को हम लोग दूर कर लेंगे, लेकिन अंत में फिर वही स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं, बच्चों के प्रदर्शन, नारेबाजी, काफ़ी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो कभी कभी तो ये लगता है जैसे घर में लड़कियों की शादी होती है, हम लोग तैयारी करते हैं कि बारात के आने के दिन से पहले हम लोग अपनी तैयारियां इस तरह कर लें कि उस दिन दौड़ भाग ना करना पड़े, लेकिन हर बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि उस दिन बारात आने तक भी दौड़ भाग चलती रहती है। वही हाल हम लोग की छात्रवृत्ति का भी हो गया है। तो फिर आप लोगों से एक बार अपील करेंगे कि इस तरह से हम लोग काम किया जाए, एक टीम वर्क है, अगर अच्छे से हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, काम अंतिम समय के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, और विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो कि वंचित वर्ग से आ रहे हैं, जिन्हें वास्तव में छात्रवृत्ति की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, बहुत अधिक प्रदर्शन, आंदोलन, सबको संतुष्ट कर पाना भी संभव नहीं होता है, लेकिन उस समय बहुत खराब लगता है जब कोई छात्र या छात्रा इस तरह से आती है कि सर हम लोग अब पढ़ ही नहीं पाएंगे, बीएड की फीसें भी बहुत अधिक हैं, बीएड की फीस बहुत अधिक है, और जब वो आते हैं कि कहीं से हमने उधार लेके दिया हुआ है और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हम लोग के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उस समय हम लोग अपने आप को बहुत बेबस और असहज महसूस करते हैं, और वैसी दशा में जबकि हम लोग वो काम करते अगर ठीक से करते तो शायद उन लोगों को उसका लाभ मिल गया होता। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आ रही हैं उनको दूर करने का। देखिए, बहुत कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है छात्रवृत्ति का काम, बस सब लोग अपने अपने पार्ट पे सही ढंग से करते जाएं। कोशिश हम लोग ने की है, पीपीटी भी तैयार की है और इस तरह से कुछ दिशा निर्देश भी आप लोग के लिए तैयार किए हुए हैं सरल शब्दों में, जिससे किसी भी प्रकार को की किसी को असुविधा ना हो। अगर किसी भी स्तर पर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग विभागों से अवश्य संपर्क कर लें, फोन नंबर भी अभी आप लोगों को दे दिए जाएंगे सबके, तो किसी भी तरह की कोई समस्या हो उस पर आप लोग अभी से ही बातचीत कर सकते हैं, किसी का फोन बंद नहीं रहेगा हम लोगों का, आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान हम लोग ससमय करने का प्रयास करेंगे। देखिए, छात्रवृत्ति की कार्यशाला इस बार और भी प्रासंगिक इसलिए हो जाती है कि बहुत बड़े पैमाने पे छात्रवृत्ति दशमोत्तर छात्रवृत्ति में की नियमावली में परिवर्तन हुए हैं, तो वो परिवर्तन हम संक्षेप में आप लोगों को बता देते हैं। अभी पीपीटी चलेगी, उसमें आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा, चीज़ें रिपीटिशन में ना आए इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे इस बार से दशमोत्तर छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिनका हाई स्कूल यूपी बोर्ड से रहा हो, सीबीएसई बोर्ड से रहा हो या आईसीएसई बोर्ड से रहा हो, इसके अलावा किसी भी अन्य बोर्ड से पास बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरा ये है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली निजी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्र अथवा राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।
इसी प्रकार अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी शिक्षण संस्थान जिनकी नियंत्रक बॉडी या परीक्षा एजेंसी उत्तर प्रदेश की नहीं है, वो छात्र भी छात्रवृत्ति हेतु अनुमन्य नहीं होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ संशोधन किए गए हैं। बहुत समस्या ये आती थी कि बच्चे ने बीए या बीएससी में एडमिशन ले लिया है या बीएससी में एडमिशन ले लिया है और उसका फिर एडमिशन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बीटेक वगैरह में हो जाता था, तो उनको इस आधार पर छात्रवृत्ति से वंचित रखा जाता था कि एक बार आपको छात्रवृत्ति जिस पाठ्यक्रम के लिए मिल गई है उसको पूरा करने के बाद ही दूसरी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए आप अर्ह होंगे। इस बार वो व्यवस्था में सुधार करते हुए किया ये गया है कि नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के किसी वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत कोर्स अधूरा छोड़कर अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर नवीन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर पाठ्यक्रम के सभी वर्षों में छात्रवृत्ति उसे दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, देखिए छात्र दशमोत्तर छात्रवृत्ति को लेके जो नियमावली है उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। उस संदर्भ में बहुत ही जरूरी हो गया था एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना, तो इसमें प्रदेश जनपद के जितने भी इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन सभी के प्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया गया इस कार्यशाला में ताकि शासनादेशों में जो परिवर्तन किए गए छात्रवृत्ति को लेकर उनसे उनको रूबरू कराया जा सके और छात्रवृत्ति में जो हर साल समस्याएं आती हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो समस्याएँ हैं। और वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी।